हेलो गाइज एंड वेलकम टू इट और मोटर राइट। तो आज का वीडियो होने वाला है TVS Jupiter 125 का रिव्यू, जो कि 2022 मॉडल है। तो गाइज वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन का ऑप्शन को क्लिक करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को क्लिक करें, ताकि मेरे सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। सबसे पहले लुक्स देख लो और ये कलर ऑप्शंस देख लो। तीन कलर आते हैं, डार्क ब्लू, ऑरेंज और ग्रे कलर। मैट ग्रे है ये, और ये दोनों ग्लॉसी फिनिश में आते हैं, ये मैट फिनिश में आता है। इसका वीडियो है, देखो यहाँ पर क्रोम की ट्रीटमेंट आ जाती है लुक्स में, यहाँ पर भी आती है, और इसमें आपको हर जगह क्रोम देखने को मिल जाता है। जैसे कि यहाँ पर भी गार्ड पर क्रोम की ट्रीटमेंट देखने को मिल जाती है, और जुपिटर पर यहाँ पर भी ट्रीटमेंट, जुपिटर 125 की बैजिंग 3D में। और यहाँ पर आपको सीट बहुत लंबी मिलती है, 790 mm इसकी लंबाई आती है, और TVS की बैजिंग रियर में भी देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं यहाँ पर। अब बात कर लेते हैं फ्रंट की। तो फ्रंट देखो यार, यहाँ पर आपको LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है, फुल LED सेटअप के साथ आती है स्कूटर। हैलोजन वाले इंडिकेटर्स आते हैं, और मडगार्ड का कुछ ऐसा लुक आता है। अब चलते हैं इसके डैशबोर्ड की तरफ, मतलब इसके इंस्ट्रूमेंट कंसोल की तरफ। तो इसमें आपको भरपूर इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। इसमें आपको यहाँ पर साइड स्टैंड इंडिकेटर, इंजन चेक लाइट, वार्निंग लाइट, इंस्टेंट स्टार्ट स्टॉप सिस्टम, लो बीम हाई बीम, लो फ्यूल इंडिकेटर, पावर और इको मोड का यहाँ पर आपको इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सेट और मोड इससे टॉगल कर सकते हैं, देख सकते हैं आप, टाइम बता रहा है यहाँ पर। ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ, तीन ट्रिप आते हैं, IFE, और यहाँ पर फ्यूल गेज मिल जाता है, स्पीडोमीटर यहाँ आता है, और इसमें आपको इंडिकेटर वाली यहाँ बताती है लाइट इंडिकेटर डालने पर। इंस्टेंट स्टार्ट स्टॉप का बटन यहाँ मिल जाता है, और उसके नीचे सेल्फ स्टार्ट वाला बटन, और साइलेंट स्टार्ट पर वर्क करता है ये स्कूटर। रियर व्यू मिरर अच्छे मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको हाई बीम लो बीम स्विच, और इसी में पासिंग स्विच मिल जाता है। टर्न सिग्नल्स वाले इंडिकेटर यहाँ पर आता है, और ये हॉर्न, बाइक जैसा हॉर्न दिख रहा है इसका। और इसके नीचे चलते हैं, मतलब इसके डैशबोर्ड के नीचे यहाँ पर आपको हुक लटकाने के लिए हुक मिल जाता है लगेज कैरी करने के लिए, और ये पुश अनलॉक शायद चार्जिंग ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा इस स्कूटर में आपको। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में सब कुछ बताया था, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो इसको देखो, यहाँ पर भी एक हुक देखने को मिल जाता है, बूट स्पेस भी अच्छा देखने को मिल जाता है आपको। तीनों ही स्कूटर में सेम बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, और सीट भी आपको अच्छी मिल जाती है। सीट जो है बहुत लंबी आती है, 790 mm इसकी लंबाई है, और इसकी जो सीट हाइट आपको मिलती है 765 mm की देखने को मिल जाती है। 5 फीट की भी हाइट होगी तो आप आराम से इस बाइक को, मतलब इस स्कूटर को राइड कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस स्कूटर को राइड करने में। पिलियन सीट भी अच्छी आ जाती है, और पिलियन को प्रॉपर ग्रैब रेल मिल जाता है इसको पकड़ने के लिए, और गार्ड भी आपको क्रोम फिनिश में देखने को मिल जाते हैं। जुपिटर 125 की बैजिंग मिल जाती है, पैर रखने के लिए यहाँ पर भी अच्छा खासा जगह मिल जाती है, और इसमें आपको फुटरेस्ट मतलब फुट पैक प्लास्टिक ही मतलब फाइबर के आते हैं, जैसे कि डैशबोर्ड की क्वालिटी आती है वैसी इसकी क्वालिटी देखने को मिल जाती है। अब चलते हैं फ्रंट की तरफ, से फ्रंट में भी गार्ड देखने को मिल जाते हैं। और अब बात कर लेते हैं इसके ब्रेक की, तो आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक 220 mm वाला देखने को मिल जाता है। टायर प्रोफाइल आपको 90-90-12 इंच का अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है 90 mm की वाइडनेस के साथ। और रियर में ग्रैब रेल पर ही आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको हैलोजन वाली टेल लाइट, हैलोजन वाले इंडिकेटर्स के साथ, और प्रॉपर मडगार्ड भी आ जाते हैं। मॉनसून के सीज़न में राइड करते टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यहाँ पर साइलेंसर मिलता है, क्रोम की ट्रीटमेंट इस पर भी है, और पैर रखने के लिए यहाँ पर भी जगह देखने को मिल जाती है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। साइड प्रोफाइल देख लो इधर से, साइड प्रोफाइल आप देखिएगा, आपको सही से प्रॉपर साइड प्रोफाइल देख लो आप। और चाबी यहाँ पर लगाना पड़ता है, चाबी कुछ ऐसी आ जाती है इसकी, यहाँ पर लगाने के बाद यहीं से आप टॉगल करना पड़ेगा, सीट खुल गई, इससे सीट खुल जाती है। और यहाँ पर आपको चार्जर भी देखने को मिल जाता है, मतलब मोबाइल चार्जिंग करने के लिए USB कनेक्ट करना पड़ेगा, मोबाइल रखने के लिए जगह मिल जाती है, ग्लोव बॉक्स भी कहते हैं बहुत सारे लोग। और इसका अंडर सीट स्टोरेज एक बार चेकआउट करो, इस स्कूटर का अंडर सीट स्टोरेज 33 लीटर आ जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा आता है 125 cc कैटेगरी में। बहुत सारी जगह मिल जाती है, 2 हेलमेट आराम से बैठ जाते हैं इस स्कूटर में। इसे बंद करने के लिए ऐसे प्रेस करते ही ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। और आपको फ्यूल डालने के लिए यहाँ पर, जो मैं पुश लॉक बता रहा था ना, यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक कैप यहाँ देखने को मिल जाती है, सीट से उतरना नहीं पड़ता जब भी आपको फ्यूल अप कराना हो इस स्कूटर को। अब बात कर लेते हैं इसके इंजन की, तो इसमें आपको 124.8 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक BS6 कंप्लायंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है, जिसकी पावर आपको देखने को मिलती है 8.1 PS की 6500 RPM पर। और इसका मैक्सिमम टॉर्क आपको देखने को मिल जाता है 10.5 Nm का एट 4500 RPM। और इसमें आपको CVT इंजन मिलता है, मतलब CVT गेयरबॉक्स पर वर्क करता है इसका इंजन,
किक भी देखने को मिल जाता है, और इसका जो माइलेज है आपको क्लोज टू 55 के एमपीएल का देखने को मिल जाता है। 125 सीसी में इससे ज़्यादा माइलेज आपको कोई भी स्कूटर निकाल के नहीं दे सकती। और इसमें आपको जो सिस्टम मिलता है, मतलब इसका जो इंजन आता है जुपिटर है, तो आप समझ सकते हैं इसकी टॉप स्पीड भी आपको क्लोज टू 100 किलोमीटर पर आर के देखने को मिल जाती है। और रियर में नाइट्रॉक शॉक ऑब्जर्वर्स देखने को मिल जाते हैं। और इसी के साथ रियर टायर प्रोफाइल की बात करूँ तो आपको रियर टायर भी अच्छा बड़ा मिल जाता है, 90-90-12। हाँ, 90-90-12 का इसमें टायर देखने को मिलता है। अलॉय व्हील 12 इंच का देखने को मिल जाता है। फ्रंट और रियर टायर सिमिलर आते हैं एक दूसरे से। इसके साइड स्टैंड में इंजन कट ऑफ सेंसर मिल जाता है, और ग्राउंड क्लियरेंस आपको 163 mm का देखने को मिल जाता है। ज़्यादा मतलब ग्राउंड क्लियरेंस आपको अच्छा मिल जाता है, आराम से आप राइड कर सकते हैं कैसे भी रास्ते पर। और इस स्कूटर का ओवरऑल वेट 108 मतलब 108 किलोग्राम देखने को मिल जाता है। जुपिटर 110 से आपको 1 किलो वजन ही आती है, ज़्यादा हेवी नहीं लगती लेकिन स्कूटर जब आप राइड करते हैं इसको। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी 5.1 लीटर की देखने को मिल जाती है, तो स्कूटर में इतनी ही फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिलती है आपको। अब बात कर लेते हैं इसकी ऑन रोड प्राइस की, तो आपको शांत में टी वी एस उदगीर में इस स्कूटर के ऑन रोड प्राइस 1,14,000 रुपये देखने को मिल जाते हैं, जिसके साथ आपको 2 हेलमेट मिलते हैं एज अ कॉम्प्लीमेंट्री, और इसमें आपको सब कुछ फीचर्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको टी वी एस ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप शांत वे टी वी एस उदगीर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में अवेलेबल मिल जाएगा। कंक्लूजन पर आते हैं, तो 125 सीसी कैटेगरी में मैंने पहले भी रिव्यू करके बताया था जिसमें ब्लू कलर था, तो मुझे कमेंट आए कि डिफरेंट कलर का भी रिव्यू करो, तो मैं इसका रिव्यू करने आ गया। ये कलर एक आता है और ऑरेंज कलर आता है, ब्लू कलर ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोडेड है इसका वीडियो। तो ये देखो 125 सीसी में जिसको कंप्यूटर जैसा स्कूटर चाहिए, मतलब माइलेज अच्छा चाहिए, फीचर्स भी चाहिए, तो ये अच्छा है। और इसका अंडर सीट स्टोरेज सबसे ज़्यादा आता है, तो वो मुझे बहुत पसंद आया। मतलब पोर्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाती है इससे, आप सामान मतलब जो राशन लाते हैं ना, मतलब घर का राशन वो लाने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है अकेले आदमी को, वरना जो मेरे जैसा बाइक राइड करता है उसके लिए मुश्किल होता है, एक ना एक एक्स्ट्रा आदमी लगता है जिससे लगेज कैरी करना पड़े। लेकिन इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मोबाइल कनेक्शन देखने को मिल जाता है जो कि चार्जिंग के लिए होता है, और इसमें आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी 5.1 लीटर की मिलती है, फ्रंट में आती है। हर एक स्कूटर में आपको ऐसा फ्यूल टैंक कैपेसिटी और फ्यूल टैंक इधर देखने को नहीं मिलता जो कि फ्रंट में आता है, हर एक स्कूटर में ऐसा नहीं होता। LED हेडलाइट मिल जाती है, तो 125 सीसी में अच्छा स्कूटर कहता हूँ मैं, और 1,14,000 रुपये प्राइस इसको जस्टिस करती है। अगर आपको मतलब अगर आपको इससे स्पोर्टी स्कूटर चाहिए 125 सीसी में, तो आपके लिए ये स्कूटर है एंटॉर्क 125 रेस XP। इसकी 1,20,000 ऑन रोड प्राइस है, लेकिन इसमें भी फीचर्स आपको अच्छे देखने को मिल जाते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में मैंने आपको TVS Jupiter 125 का रिव्यू दे दिया, आपको कैसा लगा स्कूटर आप कमेंट सेक्शन में बताना। तो गाइज इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइज।